जैसे ही हिलाया तो सारे जो उनके सखा इधर उधर कहीं गौओं का चारण कर रहे थे, सबने भगवान की टेढ़ सुनी तो उस ओर दौड़े कि कन्हैया बुला रहे। श्री गोवर्धन के शिखर ते मोहन दीनी टेर, अंतरंग सो सहत हैं सब ग्वालिन राखी घेर। भगवान ने जैसे ही वहां से संकेत किया तो जो भगवान के परम सखा थे सुबल सुबाऊ भद्र तोषल सुमंगल सबने जो है जाके गोपियों को घेर लिया। अब वो बोले कि कैसो है, यहां से जा रही हो ना, ये माखन मिश्री और ये सब लेके जो जा रही हो गौग्रत यहीं दे जाओ, हमें भूख लग रही है। सोई गोपी बोली, अच्छा 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 जी, हम जंगल में दही माखन गौरस निकाल के ला रहे हैं इतनी मेहनत से, जो तुम्हारी तुम जैसे पेटून की पंगत तो होएगी ना। सोई गोपी गुस्सा आएगी, ग्वाल वाल फेल है कि हमारी तो रिक्वेस्ट कंसीडर नहीं है बिल्कुल भी। एक बोलो रुक जा बालाम दे। सोई कृष्ण भगवान आ गए और एक गोपी को पल्लू पकड़ लियो, कहां जा रही हो? गोपी बोली, मां जा रहे हैं हम। बोले, यहां से ऐसे नहीं जा पाओगी, ये यहीं की घटना है, गोवर्धन में जो दान घाटी का मंदिर है। भगवान बोले, बहुत दिना तुम बच गई हो दान हमारो मार, आज हो ले हो आपनो दिन दिन को दान संहार। गोपी बोली कि दान, कोई यहां ब्रज में गौरस और ये माखन और ये दधी का दान मांगता है? ये नई नई परंपरा तुम शुरू कर रहे हो, ये सब ठीक नहीं है। एक गोपी बोली। भगवान जी बोले, आपसे नहीं बात करेंगे। श्री राधा जी आ गया। अब राधा जी और कृष्ण भगवान के संवाद चल रहे हैं और जहां जहां कृष्ण भगवान फेल हो रहे हैं वहां तो सखा आ रहे हैं और जहां जहां राधा रानी कुछ कमजोर पड़ रही हैं सखी भी आ रही हैं। हम जा रहे हैं और तुम इशारा कर रहे हो कि कंकड़ी मार दो, नहीं देते जाके मटकी फोड़ दो, ये सब आपको ठीक लग रहा है? सोई भगवान जी बोले, ऐसा है जैसे हम कछु कहते हैं ऐसी तुम कछु कर लियो, मन माने सो कीजिए दान हमारो देव। के कंकड़ी हम मार रहे तुम हमें मार लो, और हम तुमसे जैसे कर रहे हैं तुम्हें जो अच्छा नहीं लग रहा वैसा व्यवहार हमारे साथ कर लो, लेकिन ये सब चलता रहेगा, दान जल्दी निकाल के दे दान घाटी में। सोई जो है गोपी तो खिसिया गई, उनकी कछु चली नहीं। सोई गोपी गुस्सा है के बोली, गोरे श्री नंदराय जी और गोरी जसुमत गा माए, तुम याई ते सामरे ऐसे लक्षण पाए। नंद बाबा गोरे हैं, जसुमती मैया गोरी है और तुम जे उल्टे सीधे काम करते हो जे तो भगवान जी ने तुम्हें कारो पैदा करो। अब वो अपना दान देके वहां से चली तो गई, लेकिन थोड़ी दूरी पे जाके बड़ी दुखी हो रही है कि भगवान ने हमसे माखन मांगा, जरा सा कुछ गौरस मांगा, और हम कैसी निष्ठुर हैं कि केवल उनसे वार्तालाप करने के लिए हमने उनसे मना करी, उनकी सुंदर शब्दों को सुनने के लिए, उनके सुंदर वचनों का पान करने के लिए, नारायण की अहत की कृपा और लीला को देखने के लिए, उनके साथ कुछ क्षण बिताने के लिए, हमने बड़ा भगवान के साथ कठिन व्यवहार किया है। अब भगवान की वो बातें उन्हें याद आ रही हैं और वो चिंतन करती हुई जा रही हैं। वो काना एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गया मेरी, छुप गयो फिर एक तान सुना के, कहां गयो एक
चला के कर गयो मन की चोरी, सुध बिसरा गया मोरी। आपस में चिंतन कर रही हैं, बात कर रही हैं कि एक शब्द बस हमारे कान में याद रह जाए उनका, उनने क्या क्या कहा था, कैसे तो उसने मेरी तरफ देखा था, कैसे तो वो मुझसे बात कर रहे थे और मुझसे कैसे इशारा करके माखन मांग रहे थे। वो इन सब का चिंतन कर रही हैं, वो स्मरण कर रही हैं कि वो कितना सुंदर है, उसकी हर चीज मधुर है। अधर मधुर है, बदन मधुर है, नैन हसन सब मधुर मधुर है, हृदय मधुर और चलन मधुर है, हे नटवर सब तेरा मधुर मधुर है। अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नैनम मधुरम, हर्षितम मधुरम। अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नैनम मधुरम, हर्षितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, पतेरखिलम मधुरम, वचनम मधुरम, चरितम मधुरम, वशनम मधुरम, बलितम मधुरम, चलितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। रेणुर मधुरो, रेणुर मधुरा पा